अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये तकरीबन सुबह 8-9 बजे का टाइम है, और इस टाइम मेरे हस्बैंड नाश्ता वगैरह करने के बाद अपने ऑफिस चले गए थे, और मैंने कहा थोड़ा सा बाहर का नज़ारा करती हूँ कि आज मौसम कैसा है। तो देखें आसमान पे कितने अच्छे बादल छाए हुए हैं, और लगता है कि आज फिर बारिश होगी। और गार्डन से वापस आके मैंने अपना ब्रेकफास्ट बनाया, तो इसमें मैं आज ले रही हूँ दही और चाय और जैम। तो अभी मैं इसको एंजॉय करती हूँ। और नाश्ता करने के बाद मैंने घर के काम वगैरह किए, और अब मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। और वेदर आज बहुत अच्छा हो रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा ऐसे कढ़ी पकौड़े बना लेती हूँ, और देखिए आज मैं कढ़ी पकौड़े कैसे बनाती हूँ। ब्राउन कर लिया, अब इसमें टमाटर ऐड करूंगी, और थोड़ा सा इसको फ्राई करने के बाद इसमें तमाम मसाले डाल दूंगी। और मसाला अच्छा सा भूनने के बाद थोड़ा सा इसको हल्का सा दम लगा दूंगी पानी डाल के। और दूसरी तरफ मैंने जग में दही डाल के और बेसन को डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था। और मसाला भूनने के बाद अब इसमें मैं दोनों चीज़ें ऐड कर साथ आलू और बेसन और सारे मसाले डाल के इसका बैटर बना लिया पकौड़ों के लिए। और तकरीबन 1 घंटा इसको पकाने के बाद मैंने इसको अच्छा सा पका लिया, और अब इसमें तमाम जो मसाले डलते हैं वो डाल दिए। मैंने मेथी डाल दी अब इसमें, और सब्ज़ मिर्चें और धनिया ऐड कर दूंगी। हमारी होगी रेडी, और अब हम दूसरी साइड पे ऑयल को गर्म करके और पकोड़े बना लेते हैं। पकौड़े हमारे हो गए हैं रेडी, और अब मैंने इनको कढ़ी में डाल दिया। पे मैंने लगा दिया है जीरे का बघार, और मेरे पास तो यही चीज़ें अवेलेबल थी। अगर सब्ज़ में वो रेड मिर्च हो तो उसके साथ तो और अच्छा लगता है बघार। तो आइए इसको एंजॉय कर।